सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझसे कैसे मिलोगे? और हाँ, घंटी जरूर दबाना। वेलकम टू अम्बाला, द बॉर्डर सिटी ऑफ हरियाणा। हाय गाइस, आई एम प्रियंका और आज मैं आपको दिखाऊंगी अम्बाला सिटी का बेस्ट स्ट्रीट फूड। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं आ गई हूँ पिंका जी के स्पेशल छोले भटूरे खाने। भाई इनके छोले भटूरे ना पूरे अंबाला में फेमस है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे बन रहे गर्मा गर्म भटूरे, वो भी फूले फूले। मैं भी एक सेक लूँ भैया? चलिए मैं भी एक ट्राई करती हूँ कैसे सेकते हैं इसको। तो ये नया वाला डलेगा। क्या स्टाइल से भटूरे बनाए जा रहे हैं यहाँ पे। आई होप मैं जला ना दूं। ओके, हाँ थोड़ा थोड़ा सा फूला है वैसे, बस उतार देती हूँ अभी। वाह, मैंने भी आज भटूरा सेका है। और इनके छोले देखना चाहेंगे आप तो वहाँ पे देखिए। इनके छोलों में ना सारा कमाल है इनके मसालों का, क्योंकि इस छोले में ना तो प्याज है, ना गार्लिक है, ना जिंजर है। सारा कमाल वाकई इनके मसालों का है। So यार, ये मेरे गर्मा गर्म छोले भटूरे एंड जस्ट लुक एट दिस भटूरा, एकदम फूला फूला है। और जो छोले है ना, इसके ऊपर डाला गया है प्याज, उसके साथ आपको दिया गया है नींबू और इनके मसाले वाले आलू। वो तो चलिए अभी ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं फोड़ती हूँ इस भटूरे को। वाह, हाँ बड़ा गर्म है। चलिए अभी नींबू डालती हूँ पहले थोड़ा इसके अंदर मैं। हाँ, अब आएगा मज़ा। ओके चलिए, ये हुई ना बात। क्या गजब के हैं ये छोले भटूरे। में भटूरा तो इतना सॉफ्ट और स्पंजी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ये जो इनके छोले हैं ना मसाले वाले, वो एकदम ढंग से पके हुए हैं, मुंह में जाते ही एकदम घुल जाते हैं। एक्चुअली जो सारा कमाल है छोलों के अंदर, वो है इनके खुद के बनाए हुए मसालों का। सो गाइस, क्या कभी आपने करंट वाले गोलगप्पे खाए हैं? क्यों, सुन के हैरानी हो रही है ना? सो गाइस, मैं आ गई हूँ जगदीश चाट भंडार और ये अपने करंट वाले गोलगप्पे के लिए बहुत फेमस है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, यहाँ जगदीश चाट भंडार में आपको मिलते हैं 5 तरीके के पानी। सो ये है जीरे वाला पानी, ये है धनिया पुदीने का पानी, ये है काली मिर्च का पानी और ये है हींग वाला पानी। और जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है ये मेरा फेवरेट करंट पानी। सो ये आ गया सबसे पहला गप्पा, जीरे वाला। बहुत ही बढ़िया है गोलगप्पे, एकदम क्रिस्पी हैं। प्लस इनका जो जीरे का पानी है ना, उसके अंदर भुने हुए जीरे का बहुत बढ़िया स्वाद आ रहा है। तो अब भैया मुझे करंट वाले गोलगप्पे खिलाइएगा। करंट वाले गोलगप्पे, थोड़ा सा डर लग रहा है इसको खाने में मुझे। हाँ, इसको खाते ही करंट लग जाता है। पहली बात तो ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, एकदम ब्रेन फ्रीज हो जाता है। और ये पानी जो है ना वो केवड़े का है। बहुत ही बढ़िया है ये करंट वाला गोलगप्पा। करंट वाले गोलगप्पों के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगी अंबाला के फ्यूजन वाले गोलगप्पे, जिसके लिए मैं आ गई हूँ जैन चाट भंडार, और ये अपने चीज़ वाले गोलगप्पों के लिए बहुत फेमस है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पे चीज़ गोलगप्पे बनने स्टार्ट हो गए हैं और सबसे पहले तैयार की जा रही है इसकी फिलिंग। अब इसमें डाली जा रही है इनकी कुछ स्पेशल सॉसेस। और ये देखिए क्या बढ़िया तरीके से इन गप्पों के अंदर इस फिलिंग को भरा जा रहा है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सम चीज। फाइनली अब इसको ब्लो टॉर्च किया जा रहा है। वैसे मुझे ये देखने में ना बड़ा मजा आता है। सो ये आ गए मेरे चीज गोलगप्पे एंड जस्ट लुक एट इट, कितना ब्यूटीफुली इसको ऑलिव्स के साथ डेकोरेट किया गया है। वाओ, चलिए अभी ट्राई करके देखते हैं कि कैसे है ये। ओके These are superb। और ये गोलगप्पे कुछ कुछ पिज़्ज़ा जैसे लग रहे हैं और इनकी ये जो गोलगप्पे की पूरी है ना वो काफ़ी क्रिस्पी है एंड दे आर सो चीज़ी। वाकई काफ़ी यूनिक है ये। सो गाइस, समोसे एक ऐसा स्ट्रीट फूड है जो आपको हर शहर में देखने को मिल जाएगा और अम्बाला में फेमस है पनीर वाले समोसे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये समोसे बनते कैसे हैं। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे समोसे तैयार किए जा रहे हैं और सबसे पहले ग्रेट किया जा रहा है इस पनीर को और वहाँ उधर देखिए समोसों के अंदर भरा जा रहा है मसाला, जिसमें है पनीर, कैबेज, अनियन, हरी मिर्च और मटर। आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई दिस। सो गाइस, ये आ गया मेरा गर्मा गर्म समोसा। चलिए अब ट्राई करते हैं। All right. Ooh. Wow. ये पनीर का समोसा तो बहुत ही गजब का है, बहुत ही खस्ता सा है और इनकी जो पनीर की फिलिंग है ना वो काफ़ी माइल्ड और सटल सी है, बट उसके अंदर मुझे ग्रीन चिलीज और अनियन का ना बखूब स्वाद आ रहा है। दही भल्ले तो हम सब ने बहुत बार खाए हैं, पर क्या कभी आपने भल्ला पापड़ी चाट खाई है? सो गाइज, मैं हूँ इस समय पीपली बाज़ार के राम चाट भंडार के यहाँ, जहाँ की भल्ला पापड़ी चाट बहुत फेमस है। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बनती कैसे है। सो ये देखिए भल्ला पापड़ी चाट बनना स्टार्ट हो गई है और इस चाट में डाले जा रहे हैं भल्ला, पापड़ी, आलू और अब इसके ऊपर डाली जाएंगी इनकी खट्टी मीठी चटनियाँ और ठंडा ठंडा दही। और ये देख रहे हैं क्या ब्यूटीफुली इसको गार्निश किया जा रहा है। वाओ। सो गाइज, ये आ गई मेरी भल्ला पापड़ी चाट और ये देखिए क्या ब्यूटीफुली इसको डेकोरेट किया गया है, इसको गार्निश किया गया है अनार के दाने, किशमिश और अदरक के लच्छों के साथ। तो चलिए अभी ट्राई करते। इसको सही तरीका पता है क्या है खाने का? पहले आप तोड़िए ये पापड़ी और उसके बाद इसमें लगाइए ये थोड़ा सा भल्ला। ओके, उप्स। भाई ये जो क्रिस्पी पापड़ी और सॉफ्ट सॉफ्ट भल्ले का कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। प्लस इनकी जो खट्टी मीठी चटनियाँ इन्होंने डाली है ना उन चटनियों में भी बहुत स्वाद है। कढ़ाई पनीर तो हम अक्सर रोटी के साथ खाते हैं, पर क्या कभी आपने कढ़ाई पनीर वाली पैटी खाई है? तो ये देखिए गाइस, ये आ गई मेरी दीपक कन्फेक्शनरीज की कढ़ाई पनीर की पैटी और ये देख रहे हैं क्या ब्यूटीफुली इसको मेयो और सॉस के साथ डेकोरेट किया गया है। वैसे जैसे ही ये पैटी इनकी शॉप पे आती है ना यहाँ पे लग जाती है बहुत सारी भीड़। तो चलिए आप ट्राई करते हैं। ओके, दिस इज लोडेड। ये पैटी बहुत ही बढ़िया है, ये काफ़ी क्रिस्पी है और काफ़ी फ्लेकी है। प्लस इन्होंने जो इसके ऊपर तंदूरी मेव डाल के फ्यूजन कराया ना, वो एकदम कमाल का है। इट्स डिजर्ट टाइम। सो गाइज, मैं हूँ मोहनलाल मिठाई वाले जी के यहाँ, जो अपने घेवरों के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं इनका ये खोए वाला घेवर। जस्ट लुक एट इट, कितना ब्यूटीफुली इसको बादाम के साथ डेकोरेट किया गया है। वाओ, आई एम सीरियसली एक्साइटेड टू ट्राई दिस। ओके, दिस इज सो गुड। जैसे अभी तक मैंने आपको जयपुर में पनीर वाले घेवर दिखाए हैं, बट ये अंबाला का खोए वाला घेवर भी एकदम माइंड ब्लोइंग है। मुझे तो बहुत मज़ा आया अंबाला का स्ट्रीट फूड कवर करके। आई होप यू गाइज मस्ट हैव लाइक माई वीडियो। टू डू हिट द लाइक बटन एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन।